दोस्तों, आपका स्वागत है एनके स्टडी जी के क्विज 27 चैनल में। जब भी अंतरिक्ष यानी स्पेस की बात आती है तो हमारे मन में उसको जानने का सैलाब कल्पनाओं के रूप में उमड़ने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप जानते हैं? चांद की सतह पृथ्वी की सतह की तुलना में लगभग 16 गुना कम है, लेकिन क्या आपको मालूम है पृथ्वी से इतने छोटे इसके उपग्रह का एक दिन कितना बड़ा होता है? हमारा करीब एक महीना चंद्रमा के एक दिन के बराबर होता है। हैरान हुए ना? तो जानिए कैसे होता है ऐसा, क्या है इसकी वजह। आप सोच रहे होंगे कि जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उतना ही लंबा दिन चंद्रमा पर भी होता होगा। अगर ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो शायद आपका जवाब होगा, हो सकता है कि ये कुछ छोटा या बड़ा हो, लेकिन पृथ्वी के दिन की लंबाई की तरह इसके यानी चांद के दिनों की लंबाई में कोई बहुत अंतर नहीं होने वाला। तो आप गलत हैं। अंतर तो इतना ज्यादा है कि हैरान कर देने वाला है। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा है, वो वाकई हैरान कर देता है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही दिन होता है। ना हैरानी ब्रा, ऐसा क्यों होता है ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये भी बता दें कि चांद पर कुछ भी पृथ्वी जैसा नहीं है। जी हाँ, यहाँ की रात और दिन के तापमान के साथ मौसम में बहुत अंतर आता रहता है। अगर आप ये मानते हो कि पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तापमान माइनस में बहुत नीचे तक चला जाता है, तो यकीन मानिए इस मामले में चांद कई कदम आगे है। चांद के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हालात में बहुत अंतर है। कहा जाता है कि चांद के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नेचर में बहुत अंतर है, लिहाजा दोनों की रात तापमान में भी अंतर बताया गया है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी का सामना नहीं करता, यहाँ आमतौर पर कम रोशनी होती है। चांद जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो उसमें उसे 27.32 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। रात में तापमान लगातार गिरता जाता है। अगर हम बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। वहीं चांद पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है, रात भी इतनी लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता है, दिन में तापमान लगातार बढ़ता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियाँ भी अलग हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है, रातें तो इतनी ठंडी होती हैं कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां उन हालात में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। क्या आप जानते हैं कि चांद कितने समय में करता है पृथ्वी की परिक्रमा? दरअसल चंद्रमा की कक्षीय अवधि मतलब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय वास्तव में लगभग 27.3 पृथ्वी दिवस के बराबर है, या सटीक कहें तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का होता है। आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि आखिर क्यों चंद्रमा पर एक दिन इतना लंबा होता है। आपको बता दूं कि जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है तो उसके घूमने की गति बहुत धीमी होती है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 27.3 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, उतना ही समय उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसी वजह से चांद पर एक दिन 28 से 29 दिनों का होता है। इसे इस तरह भी सरलता से समझ सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जब आप खड़े होंगे तो सूर्य को पूरे आकाश में घूमने और फिर से मूल स्थिति में लौटने में 29.5 दिन लगेंगे। अब आप समझ गए होंगे, रात ठंडी होने के साथ बर्फीली होती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। समय गुजरने के साथ ये गिरता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है और ठंडी आंधी भरी हवाएं चलती हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और कठिन बना देते हैं। इन्हीं दुश्वारियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। 2023 मिशन को छोड़कर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई स्पेसक्राफ्ट साउथ पोल में सफलतापूर्वक लैंडिंग किया, जहां का तापमान -200 डिग्री के पास पहुंच जाता है। समय गुजरने के साथ तापमान -200 से नीचे चला जाता है। इस तापमान में कोई भी चीज बच नहीं पाती, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहां पानी मिलने की संभावना है। यहाँ कुछ ऐसे गहरे क्रेटर हैं
जिसमें गहराई में पानी है। वैसे इस क्षेत्र में कुछ क्रेटर्स इतने गहरे भी हैं कि वहाँ शायद कभी सूर्य की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती। इसी जगह उत्तरी पोल में तापमान रात में अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है। वैसे ये इलाका शुष्क और धूल वाला है। अब आइए चांद के दिन के तापमान की बात करते हैं। दिन में यहाँ का तापमान गर्म हो जाता है, जो 260 डिग्री फारेनहाइट यानी 127 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये तब होता है जब चांद पर सूरज की रोशनी लगातार पड़ती है। शुक्र है कि चांद पर गए किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद के इस तापमान को नहीं झेला। नासा के अपोलो मिशन ने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा था। उसके बाद 1969 से 1972 के बीच 11 अन्य लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन ये तभी पहुंचे जब चांद पर सुबह हो चुकी थी। अब आप यह भी जान लीजिए चांद पर क्यों नहीं होते मौसम। परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक। इस वजह से दो बातें होती हैं। एक यह कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।